हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकेनिक मोटर व्हीकल के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39। यदि आपकी त्वचा या कपड़ों पर अम्ल गिर जाए तो उसे तुरंत खालिस्तान के साथ धो लें। ऑप्शन वन सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन टू साबुन, ऑप्शन थ्री जल, ऑप्शन फोर तेल। करेक्ट आंसर है जल। यदि आपकी त्वचा या कपड़ों पर अम्ल गिर जाए तो उसे तुरंत जल के साथ धो लें। क्वेश्चन नंबर 40। स्क्राइबर किससे बना होता है? ऑप्शन वन तांबा, ऑप्शन टू उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन थ्री मृदु इस्पात, ऑप्शन फोर ढलवा लोहा। करेक्ट आंसर है उच्च कार्बन इस्पात। स्क्राइबर उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 41। उस उपकरण का नाम बताइए जो बैटरी की आवेशित अवस्था को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन वन हाइड्रोमीटर, ऑप्शन टू आद्रतामापी, ऑप्शन थ्री बैटरी चार्जर, ऑप्शन फोर बैटरी विक्षिप्त्र। करेक्ट आंसर है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर उपकरण बैटरी की आवेशित अवस्था को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42। वाहन की आगे की बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार है? ऑप्शन वन परवलयकार, ऑप्शन टू गोलाकार, ऑप्शन थ्री अति परवलयकार, ऑप्शन फोर दीर्घवृत्ताकार। करेक्ट आंसर है परवलयकार। वाहन की आगे की बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार परवलयकार है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी निलंबन स्प्रिंग धुरी को स्थापित करने का भी साधन है? ऑप्शन वन पटलित, ऑप्शन टू कुंडलित, ऑप्शन थ्री आघूर्ण दंड, ऑप्शन फोर रबर। करेक्ट आंसर है पटलित। पटलित निलंबन स्प्रिंग धुरी को स्थापित करने का भी साधन है। क्वेश्चन नंबर 44। जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचालित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब से आवेशित प्रथम भाग खालिस्तान है। ऑप्शन वन बलागुण परिवर्तक, ऑप्शन टू अग्रसित क्लच असेंबली, ऑप्शन थ्री मैनुअल वाल्व, ऑप्शन फोर गवर्नर असेंबली। करेक्ट आंसर है बलागुण परिवर्तक। जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचालित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब से आवेशित प्रथम भाग बलागुण परिवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 45। टायर से बोल्ड स्पॉट है, टायर में बोल्ड स्पॉट है, इसका संभावित कारण खालिस्तान है। ऑप्शन वन अति प्रसार, ऑप्शन टू निम्न प्रसार, ऑप्शन थ्री अनुचित कैम्बर, ऑप्शन फोर अनुचित गतिशील और स्थिर संतुलन। करेक्ट आंसर है अनुचित गतिशील और स्थिर संतुलन। टायर में बोल्ड स्पॉट है, इसका संभावित कारण अनुचित गतिशील और स्थिर संतुलन है। क्वेश्चन नंबर 46। प्रज्वलन कुंडली की द्वितीय घुमाव में खालिस्तान। ऑप्शन वन भारी तार के अनेक फेरे होते, ऑप्शन टू उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते, ऑप्शन थ्री भारी तार के कुछ फेरे होते, ऑप्शन फोर उत्कृष्ट तार के कुछ फेरे होते। करेक्ट आंसर है उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं। प्रज्वलन कुंडली की द्वितीय घुमाव में उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एक इंक्लूडेड कोन किसके बराबर है? ऑप्शन वन कैम्बर कोन प्लस केस्टर कोन, ऑप्शन टू किंग पिन झुकाव प्लस कैम्बर कोन, ऑप्शन थ्री केस्टर कोन प्लस किंग पिन झुकाव, ऑप्शन फोर अग्र आंतरिक पहिया कोण प्लस पहिए के टू आउट पर भारी कोण। करेक्ट आंसर है किंग पिन झुकाव प्लस कैम्बर कोण। एक इंक्लूडेड कोण किंग पिन झुकाव प्लस कैम्बर कोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन वन टार्क नली ड्राइव में नोदक शाफ्ट नली में संलग्न रहता है, ऑप्शन टू हॉज की ड्राइव में सब व्रत नोदक शाफ्ट प्रयुक्त होता है, ऑप्शन थ्री वाहनों में हॉज की नोदक शाफ्ट व्यवस्था व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है, ऑप्शन फोर टॉर्क नली में ड्राइविंग थ्रस्ट को टॉर्क ट्यूब द्वारा ऊपर ले जाया जाता है तथा रेडियस छड़ या ब्रेस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। करेक्ट आंसर है हॉज की ड्राइव में सब रत्नोदक साफ प्रयुक्त होता है।
हॉज किस ड्राइव में साफ रत्नोदक साफ प्रयुक्त होता है? कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, वाल्व क्रियाविधि खालिस्तान द्वारा प्रचालित होती है। ऑप्शन वन कैमशाफ्ट, ऑप्शन टू समय गियर, ऑप्शन थ्री गति पालक चक्र, ऑप्शन थ्री कैमशाफ्ट। करेक्ट आंसर है कैमशाफ्ट। वाल्व क्रियाविधि कैमशाफ्ट द्वारा प्रचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 50, अधिकांश वाहनों पर ATF स्तर कब जांचा जाना चाहिए? ऑप्शन वन जब इंजन शीतल हो, ऑप्शन टू जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो, ऑप्शन थ्री जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन शुरू हो, ऑप्शन फोर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो। अधिकांश वाहनों पर ATF स्तर तब जांचा जाना चाहिए जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा उपकरण माइल मीटर भी कहलाता है? ऑप्शन वन ओडोमीटर, ऑप्शन टू चाल मापी, ऑप्शन थ्री घूर्ण वेग मापी, ऑप्शन फोर रोटोमीटर। करेक्ट आंसर है ओडोमीटर। ओडोमीटर उपकरण माइल मीटर भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52, संचरण द्वारा जब गियर अनुपात 1:1 है तब संचरण खालिस्तान में। ऑप्शन वन ओवर ड्राइव, ऑप्शन टू डायरेक्ट ड्राइव, ऑप्शन थ्री अंडर ड्राइव, ऑप्शन फोर उदासीन। करेक्ट आंसर है डायरेक्ट ड्राइव। संचरण द्वारा जब गियर अनुपात 1:1 है तब संचरण डायरेक्ट ड्राइव में है। क्वेश्चन नंबर 53, दो पहिया वाहनों में निम्न में से कौन सा क्लच प्रयुक्त होता है? ऑप्शन वन कोन क्लच, ऑप्शन टू डायफ्राम क्लच, ऑप्शन थ्री मल्टीप्लट क्लच, ऑप्शन फोर डॉग क्लच। करेक्ट आंसर है मल्टीप्लट क्लच। दो पहिया वाहनों में मल्टीप्लट क्लच प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 54, कारपेंटर का वह उपकरण जिसके द्वारा वह कीलों को ठोकता है और खींचता है। ऑप्शन वन किला हथौड़ा, ऑप्शन टू साहॉर्स, ऑप्शन थ्री रबड़ हथौड़ा, ऑप्शन फोर टेक हथौड़ा। करेक्ट आंसर है किला हथौड़ा। कारपेंटर का वह उपकरण जिसके द्वारा वह कीलों को ठोकता और खींचता है किला हथौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 55, नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया स्टब धुरी का प्रकार है? ऑप्शन वन लीमोइन, ऑप्शन टू उत्क्रम लीमोइन, ऑप्शन थ्री इलियट, ऑप्शन फोर उत्क्रम इलियट। करेक्ट आंसर है उत्क्रम लीमोइन। नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया गया स्टब धुरी उत्क्रम लीमोइन है। क्वेश्चन नंबर 56, एक कार 1.4 लीटर इंजन द्वारा संचालित है, 1.4 लीटर क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन वन हॉर्स पावर, ऑप्शन टू इंजन बलागुण, ऑप्शन थ्री इंजन घन क्षमता, ऑप्शन फोर बोर व्यास। करेक्ट आंसर है इंजन घन क्षमता। एक कार 1.4 लीटर इंजन द्वारा संचालित है, 1.4 लीटर इंजन घन क्षमता प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 57, घर्षण डिस्क में ऐंठन कंपन खालिस्तान द्वारा अवशोषित होता है। ऑप्शन वन कुशन बोल्ट, ऑप्शन टू कुंडली स्प्रिंग, ऑप्शन थ्री वेब पेट, ऑप्शन फोर घर्षण पेट। करेक्ट आंसर है कुंडली स्प्रिंग। घर्षण डिस्क में ऐंठन कंपन कुंडली स्प्रिंग द्वारा अवशोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा भंजक परीक्षण है? ऑप्शन टू ऑप्शन वन एक्सरे परीक्षण, ऑप्शन टू डाई परिवेष्टक परीक्षण, ऑप्शन थ्री अवच्छेद भंजन परीक्षण, ऑप्शन फोर परस्व परीक्षण। करेक्ट आंसर है अवच्छेद भंजन परीक्षण। अवच्छेद भंजन परीक्षण भंजक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 59, नियत मेष गियर बॉक्स में दाते होते जो कि शाफ्ट दूरी पर झुके होते, इस प्रकार का गियर खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन वन स्पर, ऑप्शन टू वर्म, ऑप्शन थ्री बेवेल, ऑप्शन फोर कुंडलित। करेक्ट आंसर है कुंडलित। नियत मेज गियर बॉक्स में दाते होते जो कि शाफ्ट दूरी पर झुके होते, इस प्रकार का गियर कुंडलित गियर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60, बैटरी की क्षमता सामान्यतः खालिस्तान के संबंध में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन वन ओल्ट, ऑप्शन टू एम्पियर में विद्युत धारा,
ऑप्शन 3 वजन, ऑप्शन 4 एम्पियर घंटे। करेक्ट आंसर है एम्पियर घंटे। बैटरी की क्षमता सामान्यतः एम्पियर घंटे के संबंध में व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, त्रुटि में पश अक्ष में अंतिम ड्राइव असेंबली ऊपरी ओर पर नीचे की तरफ लग गई है, जिससे कि क्राउन पहिया अब पिंजन के दाहिनी हाथ की ओर है, इस त्रुटि का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1, नोदक शाफ्ट विपरीत दिशा में घूमेगा। ऑप्शन 2, सड़क पहिए के घूमने की दिशा विपरीत हो जाएंगी। ऑप्शन 3, आधे शाफ्ट आगे की ओर मुड़ जाएंगे और बाकी आधे पीछे की ओर मुड़ जाएंगे। ऑप्शन 4, आंतरिक पहिए की गति बढ़ जाएंगी और भारी धीमा हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सड़क पहिए के घूमने की दिशा विपरीत हो जाएंगी। त्रुटि में पश अक्ष में अंतिम ड्राइव असेंबली ऊपरी ओर पर नीचे की तरफ लग गई है, जिससे कि क्राउन पहिया अब पिंजन के दाहिने हाथ की ओर है, इस त्रुटि का सड़क पहिए के घूमने की दिशा विपरीत हो जाएंगी प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 62, वाहन में मैग्नेटो मूलतः है खाली स्थान। ऑप्शन 1, डीसी जनरेटर। ऑप्शन 2, एसी जनरेटर। ऑप्शन 3, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन 4, संधारित्र। करेक्ट आंसर है डीसी जनरेटर। वाहन में मैग्नेटो मूलतः डीसी जनरेटर है। क्वेश्चन नंबर 63, अर्धचालक एक पदार्थ है जिसमें खाली स्थान। ऑप्शन 1, इसकी बृहत्तम कक्षा में निश्चित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन 2, इसकी भारतम कक्षा में 4 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन 3, इसकी भारतम कक्षा में 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसकी भारतम कक्षा में निश्चित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक एक पदार्थ है जिसमें इसकी बाह्यतम कक्षा में निश्चित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सरल प्लेनेटरी गियर आमतौर पर खाली स्थान जितना अधिक न्यूनीकरण प्रस्तावित करते हैं। ऑप्शन 1, 10:1। ऑप्शन 2, 20:1। ऑप्शन 3, 30:1। ऑप्शन 4, 40:1। करेक्ट आंसर है 10:1। सरल प्लेनेटरी गियर आमतौर पर 10:1 जितना अधिक न्यूनीकरण प्रस्तावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एकल पट्टी का क्लच की लाइनिंग पर क्लैंपिंग बल कौन देता है? ऑप्शन 1, न्यूमेटिक सिलेंडर। ऑप्शन 2, दरुचालित सिलेंडर। ऑप्शन 3, डायफ्राम स्प्रिंग। ऑप्शन 4, एकल कुंडलित स्प्रिंग। करेक्ट आंसर है डायफ्राम स्प्रिंग। एकल पट्टी का क्लच की लाइनिंग पर क्लैंपिंग बल डायफ्राम स्प्रिंग देता है। क्वेश्चन नंबर 66, एसआई इंजन निर्वातक उत्सर्जन के नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावी विधि खालिस्तान है। ऑप्शन 1, निर्वातक गैस का पुनः परिसंचरण। ऑप्शन 2, उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग। ऑप्शन 3, ईंधन में कुछ योगज का प्रयोग। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग। एसआई इंजन निर्वातक उत्सर्जन के नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावी विधि है उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग है। ऐसा इंजन निर्वातक उत्सर्जन के नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावी विधि उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसकी स्वचालित संचरण में आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन 1, गियर और क्लच पेडल। ऑप्शन 2, क्लच पेडल और गियर शिफ्ट। ऑप्शन 3, गियर शिफ्ट और स्टीयरिंग व्हील। ऑप्शन 4, स्टीयरिंग पहिया और क्लच पेडल। करेक्ट आंसर है क्लच पेडल और गियर शिफ्ट। स्वचालित संचरण में क्लच पेडल और गियर शिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रेपिकेटर वह प्रकाश है जो खालिस्तान के लिए उपयोग होते हैं। ऑप्शन 1, हल्के यातायात। ऑप्शन 2, भारी यातायात। ऑप्शन 3, मोड़ की दिशा के संकेत। ऑप्शन 4, यातायात में कार को पीछे करने। करेक्ट आंसर है मोड़ की दिशा के संकेत। ट्रेपिकेटर वह प्रकाश है जो मोड़ की दिशा के संकेत के लिए उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जब ट्रैफिक प्रकाश पर पेडल दबाया जाता है तब अग्र डिस्क और पश्च ड्रम वाली कार में ब्रेक पेडल तल पर नीचे धीमे जाता है, ऐसी स्थिति निम्न के कारण हो सकती है। ऑप्शन 1, प्रमुख सिलेंडर में रिसाव कप। ऑप्शन 2, एक रिसाव वाला शक्ति ब्रेक बूस्टर। ऑप्शन 3,
एक रिसाव अवशिष्ट जांच वाल्व। ऑप्शन फोर देन वाल्व में आंतरिक रिसाव करेक्ट आंसर है। प्रमुख सिलेंडर में रिसाव कब? जब ट्रैफिक प्रकाश पर पेडल दबाया जाता है तब। अग्र डिस्क और पश ड्रम वाली कार में ब्रेक पेडल तल पर नीचे धीमे जाता है। ऐसी स्थिति का कारण प्रमुख सिलेंडर में रिसाव कब हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 70। पिस्टन वाले आमतौर पर खाली स्थान से निर्मित होते हैं। ऑप्शन वन ढलवा लोहा, ऑप्शन टू एल्यूमिनियम, ऑप्शन थ्री फास्फर ब्रांच, ऑप्शन फोर कार्बन इस्पात। करेक्ट आंसर है ढलवा लोहा। पिस्टन वाले आमतौर पर ढलवा लोहा से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन में ज्वाला तापमान खालिस्तान के मध्य होगा। ऑप्शन वन 1600 से 1700 सेल्सियस, ऑप्शन टू 2000 से 2100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन थ्री 2500 से 2600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन फोर 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर है 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन में ज्वाला तापमान 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 72। एक चिंगारी प्रज्वलन इंजन में द्वितीयक वोल्टेज खालिस्तान के क्रम में होता है। ऑप्शन वन 200 से 500 वोल्ट्स, ऑप्शन टू 1000 से 2000 वोल्ट्स, ऑप्शन थ्री 5000 से 8000 वोल्ट्स, ऑप्शन फोर 15000 से 20000 वोल्ट्स। करेक्ट आंसर है 15000 से 20000 वोल्ट्स। एक चिंगारी प्रज्वलन इंजन में द्वितीयक वोल्टेज 5000 से 15000 से 20000 वोल्ट्स के क्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित फ्रेमवर्गों में से कौन सा झुकने और घूमने के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है? ऑप्शन वन प्लेट, ऑप्शन टू ट्यूबुलर, ऑप्शन थ्री चैनल, ऑप्शन फोर बॉक्स। करेक्ट आंसर प्लेट। प्लेट फ्रेमवर्गों में झुकने और घूमने के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 74। क्राउन पहिया दांत पर भारी को संपर्क को सही करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन वन ड्राइव पिनियन को अंदर की ओर चलाना चाहिए, ऑप्शन टू ड्राइव पिनियन को बाहर की ओर चलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर थ्री क्राउन पहिए को बाहर की ओर चलाना चाहिए, ऑप्शन फोर आवश्यक मात्रा से ब्रेक लेस को समायोजित करना चाहिए। करेक्ट आंसर है ड्राइव पिनियन को अंदर की ओर चलाना चाहिए। क्राउन पहिया दांत पर भारी टो संपर्क को सही करने के लिए ड्राइव पिनियन को अंदर की ओर चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75। संकेतक की दिशा में फ्लैशिंग लाइट की सामान्यतः आवृत्ति क्या होंगी? ऑप्शन वन 20 प्रति मिनट, ऑप्शन टू 40 प्रति मिनट, ऑप्शन थ्री 80 प्रति मिनट, ऑप्शन फोर 160 प्रति मिनट। करेक्ट आंसर है 80 प्रति मिनट। संकेतक की दिशा में फ्लैशिंग लाइट की सामान्यतः आवृत्ति 80 प्रति मिनट होंगी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।